मैं कम सर बैठ जाइए। थैंक यू सर। अच्छा आनंद जी, आनंद प्रियदर्शी जी। हाँ सर। अच्छा आपने बीटेक किया है? जी हाँ सर। कहाँ से बीटेक किया? हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोलकाता से। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम आनंद प्रियदर्शी है, मैं समस्तीपुर ज़िले का निवासी हूँ। मैंने 2016 में बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। उसके पश्चात मैंने 6 वर्षों तक आईटी कंपनी में काम किया है, पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में, उसके बाद कॉग्निजेंट में, और फरवरी 2023 के बाद मैं पूरी तरह से सिविल सेवा की तैयारी में हूँ। अच्छा, आपने टाटा में काम किया TCS में? जी हाँ सर। तो इतनी अच्छी कंपनी होने के बावजूद फिर आपने छोड़ क्यों दिया? सर, मैं शुरू से ही सिविल सेवा को ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन उस समय मेरी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। मैंने एजुकेशन लोन ले रखा था, तो उसे तात्कालिक समय पे मुझे नौकरी की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने शुरू में ज्वाइन किया आईटी कंपनीज। उसके बाद अभी मुझे लगा जो मेरे पास थोड़ा सा समय है अभी पर्याप्त, तो मैं 1-2 साल कंटिन्यू कर सकता हूँ सिविल सेवा की तैयारी। तो आप बीटेक करने के बाद आपने ऑप्शनल ज्योग्राफी लिया है? जी हाँ सर। तो ज्योग्राफी आपने क्यों लिया था? सर, पहले तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑप्शनल के लिस्ट में है नहीं। ठीक है। तो और उसके अलावा ज्योग्राफी मुझे पेपर 2 GS में भी मदद करता है, ऑप्शनल पेपर के साथ साथ, ये मेरा कारण रहा ज्योग्राफी लेने का। सिर्फ पेपर में मदद के लिए आपने ऑप्शनल में इसको चुना? मुझे एक्चुअली ये थोड़ा सा टेक्निकल भी हो जाता है, ज्योग्राफी आर्ट्स के साथ साथ ये टेक्निकल एरिया भी कवर करता है ज्योग्राफी, और हम आसपास में अपना ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन बिहेवियर भी इसके द्वारा हम लोग जान पाते हैं, तो ये भी मुझे थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा था साथ के साथ। आप यही उत्तर दीजिएगा, पहले वाला मत बोलिए। जी हाँ सर। ठीक है। आपने हॉबी में दिया है प्लेइंग क्रिकेट? जी हाँ सर। और क्रिकेट खेलना पसंद है? जी। क्रिकेट के बारे में कहा जाता है कि भारत में इसको अब सारे धर्मों से ऊपर मान लिया गया है, इसका कारण क्या है? सर, एक तो जब अंग्रेजों ने, पहले तो ये अंग्रेजों के द्वारा ये विकसित गेम है, और जब अंग्रेज इंडिया में आए थे तो मोस्ट ऑफ द लोग इसके प्रति आकर्षित हुए, और चूंकि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन इसको मीडिया द्वारा या फिर इतना पॉपुलराइज किया गया है, जो हर एक बच्चा बच्चा गांव की गलियों में सबसे पहले क्रिकेट के तरफ ही आकर्षित होता है, तो इसलिए कुछ लोग इसे मानते हैं जो ये धर्म से ऊपर बढ़ गया है, बट हालांकि ऐसा नहीं है। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता, आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है, पता है पूरे दुनिया में हमारा जो BCCI है, सबसे रईस बोर्ड कहा जाता है, सबसे ज़्यादा अगर चाहे तो ICC को अपने दम पे होना चाह सकता है, फिर आप नहीं मानते हैं। अच्छा, आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, कभी किसी मतलब ये में खेला आपने? जी हाँ सर, मैंने अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया है इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स में, मैं कॉलेज का क्रिकेट की टीम का कैप्टन भी रहा हूँ। अच्छा जी हाँ सर। उसके बाद आपकी मैंने आगे खेलने की इच्छा नहीं हुई? जी हाँ सर, उसके साथ उसके बाद प्रोफेशनल क्रिकेट्स भी मैंने खेला है, अपने इंटर कॉरपोरेट टूर्नामेंट्स में भी मैंने पार्टिसिपेट किया है, और अभी भी मुझे जब भी वक्त मिलता है तो मैं सुबह सुबह खेलने जाता हूँ कभी कभी। अच्छा, ज्योग्राफी आपने किया है? जी हाँ सर। तो ज्योग्राफी में बिहार की नदियों के ऊपर एक बहुत फेमस किताब है जिसमें बिहार की नदियों के बारे में लिखा गया है, उसके राइटर बता सकते हैं कौन है? जी नहीं सर, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि आपने ज्योग्राफी दिखा है और बिहार की नदियाँ बहुत फेमस किताब है, बहुत पहले की किताब है, आज भी वो हमारे लिए माइलस्टोन है। जी नहीं सर, मुझे मालूम नहीं। अच्छा, वो हवलदार त्रिपाठी की किताब है बिहार की नदियाँ। ठीक है। अब बिहार का ज्योग्राफिकल लोकेशन बता सकते हैं? जी हाँ सर, बिहार बेसिकली लैटिट्यूड 24 डिग्री लैटिट्यूड से लेके 27 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में है, और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन हमारा 83 डिग्री ईस्ट से लेके 88 डिग्री ईस्ट के में है। कंप्यूटर साइंस? जी हाँ सर।
उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा से है वो यूएसए से है। कंप्यूटर के किस जनरेशन में पहली बार ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था? सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। लैंग्वेज पढ़ाया आपने? जी हाँ सर, जावा। पहला लैंग्वेज कौन था इसको डेवलप किया गया था? सी को पहले, सबसे पहले सी को डेवलप किया गया था। जी हाँ सर, कन्फर्म है 100% तो कन्फर्म। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है सर? ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से यूज़र इंटरफेस और कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंट्रैक्शन कराने का काम करता है। अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल विंडोज़ है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, लिनक्स? जी हाँ, ये ओपन सोर्स। पूछ रहा हूँ सवाल, पहले सुन लीजिए जी। लिनक्स और विंडो में क्या डिफरेंस है? विंडो बेसिकली सर इसका हमें खरीदना पड़ता है इसको। विंडोज़ बेसिकली ओपन लिनक्स और विंडो। जी हाँ सर, दोनों अलग अलग कंपनी ने बनाया। जी हाँ सर, दोनों में डिफरेंस क्या है? लिनक्स इतना प्रचलित नहीं हुआ, विंडो ज़्यादा प्रचलित हो गया। क्योंकि इसका यूज़र इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है और लिनक्स जो है वो हार्ड कोर प्रोग्रामर्स के लिए ही यूज़ किया जाता है। अच्छा, ये कारण रहा है। अच्छा, डॉस था ही तो फिर विंडो वाला क्या जरूरत था? सर डॉस भी एक तरह से उतना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं था उसमें। क्यों नहीं था? क्योंकि आइकन्स वगैरह नहीं थे उसमें, फुल फ्लेज कमांड्स के बेसिस पे उसका काम होता था। अच्छा, टाइप के लिए कौन सा कमांड यूज करते थे? टाइप के लिए लिखना है तो ये तो याद नहीं है सर। अच्छा, सेव के लिए कौन सा कमांड करते थे? कंट्रोल एस। वो तो हो गया भाई, वो टाइप क्या करते थे उसमें, क्या कमांड होता था? डॉस के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। ये void, C में void main और studio.h, studio.h क्या है? Studio सर, क्या है सर? स्टूडियो एक तरह से कलेक्शन ऑफ बहुत सारा फंक्शंस जो इनबिल्ट फंक्शंस प्रोवाइड किया जाता है हमारा कंपाइलर के द्वारा, उसमें studio.h इसीलिए हम लोग। पॉइंटर क्या करता है सर? पॉइंटर बेसिकली एक पॉइंट करता है किसी एक पर्टिकुलर एड्रेस को, जिस भी पर्टिकुलर वेरिएबल को हम लोग यूज करते हैं। जी हाँ सर, सी लैंग्वेज में बनाते हैं प्रोग्राम? सी के बाद नहीं, जावा में मैंने किया है। मैं जावा? जी हाँ सर, सी में नहीं किया है। सी में पढ़ना तो था आप? जी हाँ सर, कॉलेज के दौरान। तो फिर जी करते ही होंगे आप? जी हाँ सर, कॉलेज के दौरान। भूल गए अभी, सी नहीं कर सकते। जी हाँ सर, कुछ अगर प्रोग्राम बनाने के लिए हम दें आपको, कुछ नहीं बनाइए वो कर देंगे, एल्गोरिदम तो लिख देंगे सर। लिख देंगे आप? जी हाँ सर, रन भी करा, कंप्यूटर ला के दे तो करा देंगे। हाँ सर, वो तो करा देंगे। अच्छा, कोई बात नहीं। ज्योग्राफी ऑप्शन है आपका? जी हाँ सर। भूगोल विशेष अभी पोस्ट प्रेफरेंस क्या रखा है आपने? मैंने बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को पहला रखा है प्रेफरेंस, उसके बाद बिहार पुलिस सेवा को, उसके पश्चात बिहार एजुकेशनल सर्विस को। अच्छा, आप बताइए मुझे कि एडमिनिस्ट्रेशन में भूगोल का क्या यूज़ है? सर बहुत सारा यूज़ है एडमिनिस्ट्रेशन में, और जैसे अभी हमने तात्कालिक देखा है कास्ट सर्वे, कास्ट सेंसस हुआ है, ये भी एक तरह से ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है, जिसके द्वारा जो है हम लोग बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स वगैरह। कास्ट सेंसस की बात आपने किया? जी हाँ सर। ये कैसा है, लाभदायक है या फिर हानिकारक है? जी हाँ सर, ये तो गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव, एक एम्बिशियस इनिशिएटिव है ये। हम मुझे आपके हिसाब से क्या लगता है? जी हाँ सर, ये लाभदायक ही है, क्योंकि ये हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके डिफरेंट डिफरेंट कास्ट में जो सेग्रीगेशंस है और उनकी इकोनॉमिक स्थिति है या फिर उनकी जो पिछड़ापन है। कास्ट फिर क्यों? डिफरेंट डिफरेंट कास्ट में है तो इंसान लेवल पे हम करें, हर इंसान हर कास्ट में गरीब है तो फिर हर कास्ट में जो गरीब गरीब को टारगेट करना है हमें। जी हाँ, कास्ट बेस्ड क्यों करेंगे सर? कास्ट बेस्ड के साथ साथ इसमें इकोनॉमिक स्थिति भी देखी गई है, 26 कॉलम्स टोटल। कास्ट हटा देंगे ना, क्यों? इकोनॉमिक स्थिति से काम चल जाएगा सर? क्यों? कास्ट से तो घाटा भी हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। 14% मान लीजिए यादव है, 14% कुछ, EBC का 36% है, तो इसमें पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं हो सकता क्या? जी हाँ सर, निश्चित रूप से इसको लेकर बहुत सारे चैलेंजेस तो हैं, बट साथ के साथ लेकिन हमें ब्रॉडर व्यू में अगर देखें तो मुझे लगता है लॉन्ग टाइम में ये ज़्यादा फायदा कास्ट है। प्रेशर ग्रुप का पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, दबाव समूह। जी हाँ, कुछ कास्ट दबाव समूह के रूप में काम करना शुरू कर देंगे कि हमारे कास्ट के लिए बेहतर काम करिए आप, ये सब तो निगेटिव ही ज़्यादा मुझे लग रहा है, पॉजिटिव तो कम ही लग रहा है, आप कह रहे हैं पॉजिटिव होगा। जी हाँ सर, लेकिन प्लानिंग के तौर पर अगर देखा जाए, अगर क्योंकि जितना भी डेवलपमेंट स्कीम है हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा जो किस पर्टिकुलर कास्ट को सबसे ज़्यादा जरूरत है उस चीज़ों की। आप मुझे बताइए, आपने प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा है? जी हाँ सर। किसने दिया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, किसने दिया? हेनरी हेस ने दिया सर। हेनरी हेस? जी हाँ। अच्छा, कहाँ गए थे वो? ये तो सर। अच्छा, प्लेट शब्द का इस्तेमाल किसने किया पहली बार?
सर ये जानकारी। अच्छा, आपने सुना हम्बोल्ट करंट? जी हाँ सर, हम्बोल्ट करंट से है सर। हम्बोल्ट कहाँ से थे? हम्बोल्ट पेरू से ही रहे होंगे। पेरू से थे सर। पेरू करंट, पेरुवियन करंट को हम लोग हम्बोल्ट करंट बोलते हैं। एग्जैक्ट सिर्फ नहीं जानते उनके बारे में। जी हाँ सर, हम्बोल्ट। आधुनिक भूगोल के पिता कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। सर नहीं याद है मुझे। हम्बोल्ट को ही बोलते हैं। अच्छा सर, हम्बोल्ट को बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, और वो जर्मनी के थे। ओके सर। यात्रा करते हुए पहुँचे वहाँ। हम्बोल्ट बड़े भूगोल बेता है। भारत के दो भूगोल बेता के नाम बताइए आप। एक तो आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भूगोल बेता थे, खगोल शास्त्री थे, तो वो खगोल में आ जाएंगे। जी हाँ। दूसरे बताइए, आधुनिक काल कोई बताइए नाम, दो नाम बताइए। ब्रिटिश जब आए शासन किए, उस समय के दो भूगोल बेता का नाम बताइए, अभी तक में, उस समय से लेके आज तक। बिहार से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाम मुझे याद नहीं। कौन सी किताब पढ़ा भूगोल में आपने? एनसीईआरटी को पढ़ा। केवल एनसीईआरटी पढ़ के आप? एनसीईआरटी प्लस टू लेवल का होता है। पटना विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है वो बीपीएससी का सिलेबस होता है। तो एनसीईआरटी पढ़ के कैसे आप क्वालिफाई कर लिए? जी हाँ सर, मैंने एनसीईआरटी से परीक्षा दे दिया पूरा। जी हाँ सर। क्या बात है, अच्छी बात है भाई। क्या आप एनसीईआरटी से पूरा लिख गए? मुझे नहीं लगता कि जो सिलेबस लगा है एनसीईआरटी उसको कवर करते हैं। उसको मैंने सर गूगल पर सर्च किया, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स से। अच्छा, साइट से उस जो बाकी टॉपिक था उसको वहाँ से निकाल लिया। जी हाँ सर। बिहार कौन कौन से फसल में सबसे आगे है? सर मेज में आगे है। मक्का के उत्पादन में? जी हाँ सर। उत्पादन में आगे है? जी। कन्फर्म है? उत्पादन उत्पादकता में क्या डिफरेंस है? उत्पादकता तो सर बेसिकली एरिया के हिसाब से हम लोग चेक करते हैं। एक पर्टिकुलर डिफरेंस दीजिए प्रोडक्टिविटी का। जी हाँ सर, एक हेक्टेयर अगर एरिया है उसमें कितना अनाज का उत्पादन हुआ है उसे हम लोग उत्पादकता। बिहार मक्का के उत्पादकता में आगे है उत्पादन में? ये मैं कन्फर्म नहीं हूँ सर। उत्पादकता में याद रखेंगे उसको। जी हाँ सर। अच्छा, और किस फसल में बिहार आगे है? बिहार मखाना में आगे है। मखाना कहाँ होता है? मखाना तो मिथिला रीजन में होता है। अच्छा, कहाँ ज़्यादा होता है? दरभंगा में और मधुबनी में। अच्छा, और क्या है? और लीची है सबसे प्रमुख। अभी लेटेस्ट हुआ है भारत बिहार के सीमा आगे? जी हाँ सर, मशरूम में हुआ है। मशरूम में? जी हाँ सर। क्या कारण मानते हैं मशरूम में आगे जाने का? सर कैश क्रॉप की तरफ सर बिहार अब अग्रसर हो रहा है, पहले तो सीरियल क्रॉप्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। अच्छा, दक्षिण बिहार में सूखे का क्या कारण है? दक्षिण बिहार में सूखे का मूलतः कारण है जो वहाँ पे ऐसी नदियाँ हैं जो कि साल में पूरे समय उनमें पानी नहीं रहता है, बारिश रेन फेड रिवर्स हैं वो लोग, हिमालयन रिवर्स नहीं है। अच्छा, अभी कनाडा से कुछ विवाद हुआ, जानते हैं उसके बारे में? जी हाँ सर। क्या है? सर एक खालिस्तानी ग्रुप का मेन लीडर जिसका नाम लिज्जर लिज्जर है उसे लिज्जर। जी हाँ सर, पूरा नाम मुझे याद नहीं। लिज्जर लिज्जर LIJJAR। अच्छा, क्या हुआ उसको? उसे कुछ दिनों पहले उसकी हत्या कर दी गई थी, तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया है जो इसमें भारत का हाथ है। आनंद तिवारी, आपका हॉबी है प्लेइंग क्रिकेट, आपके आप पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? सर स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ? जी हाँ सर। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात कर दी आपने। आप हैं भारत के और आपका फेवरेट प्लेयर स्टीव स्मिथ है, ऐसा क्यों? भारत में कोई प्लेयर आपको पसंद नहीं है? जी हाँ सर, पहले के दौर में मुझे ज़्यादा अच्छे लगते थे, लेकिन अभी के दौर में स्टीव स्मिथ के जितना टेस्ट में टेक्निकल साउंड प्लेयर मुझे नज़र नहीं आते। T20 का जमाना चल रहा है, आप टेस्ट में पसंद कर रहे हैं, भारत का कोई खिलाड़ी आपको उस लेवल पर नहीं दिखता है? सर टेस्ट क्रिकेट में तो अभी मुझे उस लेवल पर नज़र नहीं आता है, हालांकि T20 में सूर्य कुमार यादव ने रिसेंट में बहुत ही अच्छा काम अच्छा खेला है। और बीते समय की जहां तक बात करें तो सचिन तेंदुलकर के आपका क्या मानना है? जी हां सर, सचिन तेंदुलकर भी मेरे वन ऑफ द फेवरेट रहे हैं, लेकिन अभी तात्कालिक तौर पे अगर देखा जाए तो स्टीव स्मिथ फेवरेट रहे हैं सचिन। जी हां सर। सचिन का जन्म किस डेट को हुआ था बता सकते हैं? जी हां सर, 24 अप्रैल 1973। ठीक है, 24 अप्रैल 1973। ये डेट किसी और भी चीज़ के लिए विख्यात है क्या? जी हाँ सर, किस चीज़ के लिए? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसी दिन को केशवानंद भारती वर्सेस केरला केस का जजमेंट आया था जिसमें कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया था। बेसिक स्ट्रक्चर के दो तीन एग्जांपल्स आप बता सकते हैं क्या? क्या है बेसिक स्ट्रक्चर? जी हाँ सर, ये
एक तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक चीज़ें डिफाइंड है जिसको कि छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, फॉर एग्जांपल फेडरलिज्म हो गया, या फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी है, या फिर रूल ऑफ लॉ है, या इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, ये कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, एक व्यवस्था है भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया जिसको कॉलेजियम कहते हैं। जी हाँ सर। तो कॉलेजियम को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने 2014 में एक एक्ट पास किया था, अमेंडमेंट भी लाया था उसके लिए, न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसको कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ। आपको लगता है ये ठीक स्टैंड था कोर्ट का ये कहना? जी हाँ सर, ये एक तरह से इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी को ही ख़त्म कर रहा था, क्योंकि कुछ एक पर्टिकुलर बॉडीज़ जो हैं वो मिलके न्यायाधीशों की नियुक्ति करती हैं एनजेएसी के द्वारा 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। तो लेकिन जिस व्यवस्था का को समाप्त किया जा रहा था कॉलेजियम को, कॉलेजियम की चर्चा तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। तो जब कॉलेजियम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं और उसको सरकार ख़त्म कर रही है, तो फिर किस प्रकार से कोर्ट ने कह दिया कि कॉलेजियम जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और बेसिक स्ट्रक्चर को आप खत्म नहीं कर सकते? सर, कॉलेजियम बहुत शुरू से आज़ादी के बाद से चला आ रहा है, एक प्रक्रिया थी जिसके द्वारा कब से 1900 सर एग्जैक्टली तो डेट याद नहीं, 1950-51 तब से चला आ रहा है। श्योर है यहाँ? जी हाँ सर, 100% में श्योर नहीं। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया का आर्टिकल कौन सा है संविधान में? 124 क्या कहता है वो? 124 हमारा कहता है एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए और उसमें न्यायाधीश होने चाहिए। एग्जैक्टली तो सर मुझे याद नहीं। कोई अच्छा ये बताइए कि पंचायती राज भी जो है 24 अप्रैल को लागू हुआ था। जी हाँ सर। तो पंचायती राज में बिहार में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन ग्रांट किया है, तो क्या लगता है कि ये जो ग्रांट्स किया गया है उससे बिहार में महिलाओं की स्थिति सुधरी है? जी हाँ सर, निश्चित रूप से सुधरी है। 2006 में हमारा पंचायती राज एक्ट के द्वारा महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था, तो उसके द्वारा जो है सो मुझे लगता है जो एम्पावरमेंट वुमेन को एम्पावरमेंट मिला है बिहार में। हालांकि कई कई जगहों पर देखा जा रहा है जो मुखियापति ही बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं उन चीज़ों में, लेकिन जो काम के लिए बिहार सरकार ने ये एक्ट लाया था उसमें उसके से लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है जो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है अभी तक तो हम मुखियापति देख रहे थे, अब आगे कुछ वर्षों में हम विधायक पति और सांसद पति भी देखेंगे क्या? सर, थोड़े बहुत चैलेंजेस तो इसमें निश्चित रूप से रहेंगे, लेकिन ये निश्चित तौर पे एक साहसिक कदम है उठाया गया है भारत सरकार के द्वारा, और इससे मुझे लगता है जो महिलाओं को निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। वर्तमान में लोकसभा में कितनी महिला सांसद हैं? 78 हैं सर, 78 के बाद बाई इलेक्शंस के बाद 3 और इलेक्ट हुई हैं, 81 है टोटल। ठीक है सर।